और भोपाल से बड़ी खबर है, सीएम मोहन यादव आज देंगे नई ट्रेन की सौगात। भोपाल रीवा के बीच चलेगी एक और ट्रेन। ट्रेन की सौगात पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान, लंबे समय से उठ रही थी दूसरी ट्रेन की मांग। पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का उन्होंने इस पर आभार भी जताया है। तो आज रीवा को बड़ी सौगात मिलने जा रही है और इस पर डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आया। उन्होंने इसमें पीएम मोदी और मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट किया। लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि रीवा से भोपाल चलने वाली ट्रेन रेवांचल में बहुत लंबी वेटिंग होती है और बहुत सारे लोगों को टिकट मिल नहीं पाता, रिजर्वेशन मिल नहीं पाता है, इसलिए एक और नई ट्रेन चलाने की आवश्यकता है। ये बड़े खुशी की बात है कि रीवा से भोपाल और भोपाल से रीवा के लिए एक नई ट्रेन स्वीकृत हुई है इस बार के बजट में। इसके लिए प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को मैं आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2 तारीख से भोपाल में से वो रवाना होगी, उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। यहां से वो करीब 11 बजे चलेगी, जो सुबह 9 बजे रीवा पहुंचेगी और फिर रात में वहां से 10:30 बजे चलेगी, तो यहां सुबह 8 बजे पहुंचेगी। इस प्रकार से रेवांचल के साथ साथ पैरेलल एक और ट्रेन चलने से निश्चित रूप से विंध्य क्षेत्र के लोगों का सीधे राजधानी से कनेक्शन बढ़ सकेगा